प्रोटोजोआ, डायटम्स, सिंगल सेल्ड एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी ऑल्सो, डेस्मिड्स, डेस्मिड भी एल्गी ही है, बट वन सेकेंड, डेस्मिड्स सिंगल सेल्ड फ्रेश वाटर एल्गी विच अपियर्स टू बी कंपोज्ड ऑफ टू डिजिट सेल्स विथ ए शेयर्ड न्यूक्लियस। दो सेल के जैसा स्ट्रक्चर है बट ए शेयर्ड न्यूक्लियस है, फ्रेश वाटर एल्गी है डेस्मिड, एंड अदर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन सी वाटर। सी वाटर में फ्रेश वाटर एल्गी कैसे आया? ओके, सो समझ लो कुछ डेस्मिड्स सी मरीन भी हो सकते हैं, होंगे। सो इसका खाना क्या हो गया? सिंगल सेल, यूनिसेल्यूलर सेल्स बेसिकली, प्रोटोजोअन्स, डायटम्स, एल्गी, डेस्मिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक पार्टिकल ऑल्सो। ओके, तो इसमें बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं, सस्पेंडेड इन द सी वाटर। ओके, इसका खाना समझ में आया? फीडिंग, अब देखिए, ब्रैंकियोस्टोमाटा इज ए सिलियरी फीडर। एक्शन ऑफ सीलिया ऑफ द फेरिंग्स काउजेज ए करेंट ऑफ वाटर कंटेनिंग फूड। द करेंट ऑफ वाटर एंटर्स द माउथ एंड गोज टू द फेरिंग्स फ्रॉम वेयर इट पासिस थ्रू गिल क्लेफ्स इनटू एन एट्रियल कैविटी एंड देन इट गोज आउट थ्रू एन अपर्चर ऑफ द एट्रियल कैविटी कॉल्ड एट्रियोपोर। क्लियर है? इन फीडिंग ओरल हुड इज एक्सटेंडेड एंड ओरल सिराई आर टर्न्ड इनवर्ड्स, दे प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग द माउथ। जब खाना खा रहा होता है तो ओरल हुड, इसका होठ जो है पॉप आउट कर गया बाहर, बाहर की तरफ निकल गए ओरल हुड, और ओरल हुड पर जो सिराई है वो इनवर्ड फोल्ड होकर के सीव लाइक स्ट्रक्चर दे आर फॉर्मिंग इन साइड द माउथ टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सैंड। रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ सीलिया ऑफ व्हील ऑर्गन्स डायरेक्ट वाटर टुवार्ड्स द फेरिंग्स। ओके, बट सम फूड पार्टिकल्स फॉल आउट ऑफ द वाटर करेंट, दे आर मिक्स्ड विथ म्यूकस सिक्रीटेड बाय ग्रूव ऑफ हैचेक, जो म्यूलर ऑर्गन का सबसे बड़ा वाला ग्रुप था, दैट वाज कॉल्ड एज हैचेक, जहां से म्यूकस निकल रहा था बकल कैविटी में, फूड पार्टिकल में ये लिपटा गया वहां म्यूकस में, जो छूट गया था, जो एक बार करंट में बाहर भेज दिया, जो बैक में आ गया। अगर कुछ फूड पार्टिकल्स, क्या कह रहा है? रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ सिलिया ऑफ व्हील ऑर्गन डायरेक्ट वाटर टुवार्ड्स फेरिंग्स, फेरिंग्स की तरफ वाटर को धकेला, उस वाटर में फूड पार्टिकल्स भी होंगे, बट सम फूड पार्टिकल्स फॉल आउट ऑफ द वाटर करेंट। तो पीछे की तरफ धकेलने के चक्कर में कुछ फूड पार्टिकल आगे के धकेलने के चक्कर में कुछ फूड पार्टिकल पीछे भी आ जाता है। कभी कभी कोई नाली में तुम पानी बहाओगे तो देखोगे बैक फ्लो भी होता है, ठीक है? तो बैक फ्लो जो हुआ उसमें जो फूड पार्टिकल्स था आर मिक्स्ड विद द म्यूकस सिक्रीटेड बाय द ग्रूव ऑफ बैक फ्लो में वो चैनलाइज हो गया, दैट फूड पार्टिकल इज टुवर्ड्स दिस पिट एंड देयर द म्यूकस ट्रैप्स इट एंड पासेस बैक इनटू द फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स में अलोंग द सिलियरी लाइनिंग एट द रूफ ऑफ द बकल कैविटी इट विल बी प्रोपेल्ड टुवर्ड्स द फेरिंग्स। देन व्हेन द मेन वाटर करेंट पासिस थ्रू द एंट्रोस्टोम, एंट्रोस्टोम कहाँ है? वेलम के बीच वाला ओपनिंग, इनटू द फेरिंग्स मेनली ड्यू टू द लैटरल सीलिया और गिल बार्स। तो फेरिंग्स की तरफ जा रहा है, सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स फॉल ऑन द गिल बार्स वेयर दे गेट एंटेंगल्ड इन म्यूकस सिक्रीटेड मेनली बाय द एंडोस्टाइल एंड टू सम एक्सटेंट बाय द फेरिंजियल इपिथीलियम। फेरिंजियल इपिथीलियम भी म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, लेकिन ज्यादा म्यूकस सिक्रीट कर रहा है एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल से वो म्यूकस जो है ढकेल करके पहुंचा दिया गया
See, can you see in this picture? This is endostyle, and these are the median cilia. ये फिगर दिखाए थे एंडोस्टाइल का आपको, मीडियन सीलिया बीच में है, ओके ठीक है। मीडियन सीलिया से ये फिर ट्रैप होकर के ऊपर की तरफ धकेल दिया गया फ्रंटल सीलिया से के द्वारा, फिर एट्रियल सीलिया, लेटरल सीलिया, ये सब इस सब में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या कह रहा है, मेनली ड्यू टू लेटरल सीलिया, व्हेन द मेन वाटर करंट पासेस थ्रू द एंट्रोस्टोम इनटू द फैरिंग्स, मेनली ड्यू टू द फैरिंग्स में जा रहा है, मेनली ड्यू टू द लेटरल सीलिया ऑफ द गिल बार्स, द सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स फॉल ऑन द गिल बार्स, गिल बार में जाके सटा सस्पेंडेड फूड पार्टिकल और गिल बार पर म्यूकस जो है, गिल बार के ऊपर जो सीलिया है उस सीलिया पर जो म्यूकस है वो एंडोस्टाइल से निकल करके म्यूकस वहां पहुंचा दिया गया है बाय द एक्शन ऑफ द फ्रंटल सीलिया, और कुछ वो वहां पर इपिथिलियम, फेरेंजियल इपिथिलियम है वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं म्यूकस, लेकिन लार्जली म्यूकस इज कमिंग फ्रॉम द एंडोस्टाइल वेयर दे गेट एंटेंगल्ड इन म्यूकस सीक्रेटेड मेनली बाय द एंडोस्टाइल एंड टू सम एक्सटेंट बाय द फेरेंजियल इपिथिलियम। नाउ म्यूकस सीक्रेटेड बाय द एंडोस्टाइल इज ट्रांसफर्ड टू द लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, कैसे हो रहा है म्यूकस एंडोस्टाइल का ट्रांसफर टू द लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स बाय इट्स लैटरल रोज ऑफ सीलिया, फेरिंग्स बाय इट्स लैटरल रोज ऑफ द सीलिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, सीधा जान लो सीलिया के द्वारा मूवमेंट हो रहा है सब, द मीडियन रो ऑफ लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स बाय इट्स लैटरल रो ऑफ सीलिया, द मीडियन रो ऑफ लॉन्ग एंडोस्टाइलर सीलिया कीप्स सप्लाइंग म्यूकस टू द लैटरल रोज ऑफ द सीलिया, मीडियन वाला जो सीलिया था बड़ा लंबा वाला वहां पर म्यूकस आया उससे पूरा सप्लाई हुआ, द मीडियन रो ऑफ लॉन्ग एंडोस्टाइलर सीलिया कीप्स सप्लाइंग म्यूकस टू द लैटरल रोज ऑफ सीलिया ऑफ द एंडोस्टाइल, दीज सीलिया लैस आउटवर्ड्स थ्रोइंग द म्यूकस ऑन द लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। लैस मतलब लहरा करके फेंकना, दी सीलिया लैस आउटवर्ड्स थ्रोइंग द म्यूकस ऑन द लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के ऊपर म्यूकस आ रहा है एंडोस्टाइल से फेंका जा रहा है बार बार, मीडियम सीलिया से लैटरल सीलिया, लैटरल सीलिया से फ्रंटल सीलिया, देन फ्रंटल सीलिया से वो आ गया फेरिंग्स का वाल में, इंटरनल वाल पर, द फ्रंटल सीलिया of gill bars beat along the length of the bars in such a way that they propel mucus from the lateral to the mid dorsal side of the pharynx, theek, from the lateral to the mid dorsal side of the pharynx, ye lateral side se mid dorsal side of the pharynx tak ye pahunchaya dono side, this is mid dorsal side, in such a way that propel mucus from the lateral to the mid dorsal side of the pharynx, in this way a stream of mucus with food particles passes from lower side into epipharyngeal groove, the cilia of epipharyngeal groove beat backwards moving the cord of mucus and food into the esophagus, phir yahan par jo hai epipharyngeal groove mein jo cilia hai that will form a cord of food, वही जो आपको दिखा था यहाँ पर string like structure, food particles trapped in the mucus, तो ये epipharyngeal groove के along, क्योंकि pharynx में
सीलिया के द्वारा सारे फूड सब्सटेंस पहुंचा दिए गए एपीफेरेंजियल ग्रुप में, और वहां पर सीलिया में ट्रैप होके फूड इन द फॉर्म ऑफ द कॉर्ड इन द एपीफेरेंजियल ग्रुप इट रन्स बैकवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल टुवार्ड्स द इंटेस्टाइन देन इट एंटर्स इन द इसोफेगस देन इंटेस्टाइन. समझ में आया? द फ्रंटल सीलिया ऑफ गिल बार्स बीट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बार इन सच ए वे दैट दे प्रोपल म्यूकस फ्रॉम द लैटरल टू द मिड डोर्सल साइड ऑफ द फेरिंग्स. फेरिंग्स के डोर्सल साइड यानी छत पे बीच में. इन दिस वे ए स्ट्रीम ऑफ म्यूकस एक म्यूकस की धारा विथ फूड पार्टिकल्स पासिस फ्रॉम द लोअर साइड इन द एपीफेरेंजियल ग्रूव. एपीफेरेंजियल ग्रूव भी मिड डोर्सल है, उसी में आ गया. द सीलिया ऑफ द एपीफेरेंजियल ग्रूव बीट बैकवर्ड्स पीछे की तरफ टुवर्ड्स द इसोफेगस मूविंग द कॉर्ड ऑफ म्यूकस एंड फूड इन टू इसोफेगस. आया समझ में? दिक्कत है कहीं? नो सर. हेलो, क्या हुआ, सो गए सब लोग? नो सर. नो सर. नो सर. अच्छा चलिए, बस थोड़ा सा रह गया है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा. देखिए, द पेरिफेरेंजियल बैंड्स ऑल्सो कलेक्ट एंड पास टू द epipharyngeal groove any food particles which fall out of the water current at the extreme anterior end of the pharynx. So, ये भी participate करता है epipharyngeal groove में भी, ciliated region है, that also pass to the peripharyngeal band भी जो है. peripharyngeal band कहाँ पड़ता है? anterior region of the pharynx में, और वहां पर क्या है? गिल क्लेफ्ट नहीं है, तो वहां पर सीलिया जो है कैसे होगा, जाएगा एपीफेरेंजियल ग्रूव में अगर पानी में फूड पार्टिकल्स एंटीरियर रीजन में भी आ गया तो. सो दैट विल बी कलेक्टेड बाय पेरिफेरेंजियल बैंड्स एंड पास टू द एपीफेरेंजियल ग्रूव. एपीफेरेंजियल ग्रूव तो ऊपर में है ही. एनी फूड पार्टिकल्स विच फॉल आउट ऑफ द वाटर करेंट एट द एक्सट्रीम एंटेरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स वेयर नो गिल क्लेफ्ट्स आर प्रेजेंट. ओके, फूड एंड म्यूकस आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंडोस्टाइल इन टू द पेरिफेरेंजियल बैंड्स. पेरिफेरेंजियल बैंड में फूड नहीं जाता है एंडोस्टाइल से, क्योंकि पेरिफेरेंजियल बैंड आगे में है. पेरिफेरेंजियल बैंड से फूड एंड म्यूकस जो ट्रैप है वो गया कहाँ? एपीफेरेंजियल ग्रूव में, जहां पर फूड कॉर्ड बना, और पेरिफेरेंजियल ग्रुप से इसोफेगस में गया. ठीक है, पेरिफेरेंजियल बैंड को अवॉइड कर दिया गया, लेकिन बाय एक्सीडेंट अगर इसमें आ गया तो वहां से भी पेरिफेरेंजियल ग्रुप में जाएगा. द कॉर्ड ऑफ फूड एंड म्यूकस पासेस डाउन द गट. कॉर्ड ऑफ फूड एंड म्यूकस फिर आगे पास कर रहा है गट में बाय एक्शन ऑफ सीलिया. इट इज मूव्ड फ्रॉम द इसोफेगस इनटू द मिड गट. Okay, where a lateral tract of cilia directs it into the midgut diverticulum. From here, the cord is returned again into the midgut. The iliocolic or iliocolonic ring rotates the cord of food, causing the food and enzymes to mix. And then the cord of food is moved into the hindgut. क्लियर है? यस सर. यस सर. एक्सप्लेन कर चुके हैं, और एक्सप्लेन करना जरूरत तो नहीं है ना. चले आगे. ओके, अब देख लीजिए डाइजेशन, जस्ट वन पैराग्राफ. डाइजेशन बहुत सिंपल है इसमें, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग क्या कितने ग्लैंड पर है. डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ था? डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या है? यही है सिर्फ मिडगट डाइवर्टिकुलम. ओके, और बाकी ग्लैंड्स तो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है. ठीक, एंडोस्टाइल में जो ग्लैंड है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है. ओके, अब देखिए
Yes, sir. Digestive enzymes, because digestive gland will produce digestive enzymes. Digestive enzymes are secreted by the epithelial cells of gut and midgut diverticulum. Gut may be kuch epithelial cells, they secrete digestive enzyme. And midgut diverticulum, which is digestive gland of this animal. They are mixed with food as it passes along. And the digestion starts in the midgut and is continued in the hindgut. So digestion starts in the midgut. And midgut ka portion kya hai? Midgut diverticulum. There also digestion occurs. So digestion starts in midgut diverticulum, you can say. And it is continued in the hindgut. Besides the extracellular digestion, क्योंकि ये digestion क्या हो रहा है, ये पूरा एक line में लिख दिया digestion इसका. तो digestion जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, extracellular digestion है. आप जो digestion करते हो क्या extracellular digestion है कि intracellular digestion है? सर intracellular है ना हम लोग का. Intracellular है. इंट्रासेलुलर है तो बैक्टीरिया में कैसे होता है डाइजेशन? सर एक्स्ट्रासेलुलर, सॉरी सर. क्या बायोलॉजी पढ़ा है तुम लोग? बॉडी प्लांट ट्यूब विद इन ट्यूब है ना? हां यस सर, यस सर, कंफ्यूज हो गया सर. बॉडी प्लांट इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब, देयरफॉर देयर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी. Two surfaces, outer surface and inner surface. Outer surface, yes sir. Outer surface is lined by skin, inner surface is lined by the mucosa. And the inner surface, along the inner surface, the exchange of nutrient takes place. Exchange of nutrient होने से पहले क्या होगा? Digestion होगा. तो digestion, digestion कहाँ हो रहा है? Intestinal lumen में हो रहा है. वो cell के बाहर है ना? Cell से gastric juices निकले और cell के बाहर digestion हुआ. तो इसमें भी जो है extracellular digestion है और intracellular digestion भी है. हमारे अंदर intracellular digestion है, but not as a part of digestive system as such. जैसे phagocytosis हो रहा है. हाँ सर, वो cell का part हो गया सर. हाँ, phagocytosis हो रहा है, immune responses हो रहे हैं, उसमें neutrophils जो है phagocytosis कर रहे हैं bacteria को. So what they are doing? They are intracellularly digesting that foreign pathogen. All foreign pathogen. Lysosome क्या कर रहा है? Hydrolyzing enzyme निकाला. Lysosome और उसको intracellularly digest कर, that is called intracellular digestion. Okay, अब clear हुआ? Yes sir. Okay. Besides this, yes sir, clear. Okay, ठीक है. Besides this extracellular digestion, intracellular digestion also occurs in which food particles are taken into epithelial cells of the hindgut. ठीक. And digested there. Some papillae on the floor of the atrium. बताए थे, atrium के floor पर some papillae are there. Contain phagocytic cells, which engulf food particles, which may pass into the atrial cavity. जो gill slit से निकल गया, atrial cavity में आ गया, small food particle है, enough to be phagocytosed. तो वहां पर the cells present in the papillae, they are the phagocytic cells in the atrium. These papillae are present in the atrium and they contain phagocytic cells. These cells do intracellular digestion. So, तो intracellular digestion पर ये animal dependent नहीं है, extracellular digestion पर dependent है. वो उसका added advantage है. मतलब एडेड फैसिलिटी इसको मिला हुआ अलग से. कैविटी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस मोस्टली इन द हाइंड गट एंड टू लेसर एक्सटेंट इन द मिड गट. हो गया कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. एब्जॉर्प्शन जो है हाइंड गट में हो रहा है, मिड गट में डाइजेशन हो रहा है, एंड मिड हाइंड गट में भी डाइजेशन हो रहा है थोड़ा. ठीक है, मिड गट हाइंड गट दोनों में डाइजेशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है ज्यादातर हाइंड गट में और थोड़ा बहुत मिड गट में. क्लियर? यस सर.
any confusion? No sir. No sir. No sir. ठीक है, तो अब आगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नोट तैयार करूंगा, जब तक तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए और वीडियो को रिवाइज कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए. ओके, कुछ सवाल पूछना नहीं है ना? अटेंडेंस ले लें. अटेंडेंस यस. रिकॉर्ड आप लोग हमेशा मेरे को याद दिला दिया करना. नहीं, जब अटेंडेंस लें तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए. ठीक है.